जंगल के अंदर से डोमिनर और एंड्रेक 125 इस बाइक को भी बहुत डर आ गया गाइस, बहुत लोग मिल रहे हैं। 1.5 किलोमीटर छोड़ा छोड़ा इट पाती छोड़ा, बहुत भयंकर भयंकर यार। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने कल बताया था जो संडे है, तो आज मैं जा रहा हूँ एक ब्लॉग शूट करने। तो मैं आज जा रहा हूँ भुवन पहाड़। फिलहाल गाइस अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी टाइम हो गया 11:30 और मुझे ना सुबह निकलना था, 9 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन सुबह नींद नहीं टूटा क्योंकि कल मैं सुबह सुबह उठ गया था 3 बजे तो रात में, और कल रात को मैंने लेट से सोया था तो इस वजह से नींद टूटा ही नहीं। तो गाइस फिलहाल अभी हेलमेट में GoPro को चार्ज कर दिया था, कल रात को मैंने चार्ज पे लगा दिया था, इसका बैटरी निकाल के और हेलमेट पे इंस्टॉल कर दिया, और अभी सब सामान मैंने पैक कर लिया और गाइस निकलते हैं जल्दी से क्योंकि मेरा और 3 दोस्त जाने वाला है, वो लोग भी वेट कर रहे हैं मुझे, कब से फोन कर रहा है। तो गाइस फटाफट निकलते हैं और मैं अभी पूरा फुल रेडी हो गया हूँ। तो गाइस लेट्स गो, मिलते हैं आप लोगों से मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। और गाइस एक चीज बताता हूँ, ये लोग बिना मेरे साथ जाने वाला था तो मैं इसको आज लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज तो मतलब शिवरात्रि नहीं है, शिवरात्रि के दिन इन लोगों को लेके जाएंगे। आज मैं जा रहा हूँ क्योंकि जो नया रोड बना हुआ है उसको देखने, क्योंकि मैं अगले साल गया था तो 50% कम्प्लीट हुआ था, तो इस साल भी जाके देखने वाला हूँ क्या कुछ होने वाला है, क्या आप लोग गाड़ी लेके ऊपर जा सकते हो या नहीं। तो गाइस ये लोग भी जाने वाला था लेकिन नहीं जा पाया। हाय हाय। तो गाइस निकलते हैं जल्दी से, लेट्स गो। कैसे लगा तुमको बताओ बताओ, कुछ तो बताओ ना, कुछ बताओ ना, कुछ बोलो। तो गाइस मैं घर से निकल चुका हूँ और यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे जाने वाला है मेरे साथ अर्षित, यहाँ पे जाने वाला प्रीतम और ये मेरा एक दोस्त है, सब लोग मिलकर जाने वाले हैं और एक बंदा सिलचर से ज्वाइन करने वाला है। तो गाइस निकलते हैं फटाफट और हार्दिक में जाके आप लोगों से मिलते हैं गाइस। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और हाईवे पे आ चुके हैं और गाइस देख सकते हो यहाँ पर कितना भयंकर जाम है यार, सब गाड़ी में पुलिस पुलिस लिखा हुआ है, लगता है कोई मिनिस्टर वगैरह आया होगा। गाइस वेस्ट बंगाल सब WV रजिस्टर्ड गाड़ी है। इस रोड में ना गाइस मतलब अभी जो टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 11:38 और गाइस मतलब इस रोड में ना इस टाइम पे ना बहुत जाम रहता है यार, बहुत जाम रहता है। सुबह निकलने का टाइम था यार 9 बजे और अभी देखो गाइस टाइम हो रहा है मतलब 12 बजने वाले हैं अभी, तो आते आते रात हो जाएगा क्योंकि अगले साल जो मैं गया था ना तब गया था सुबह सुबह 7:30 घर से निकल गया था, तब भी रात हो गया था, तो आज तो रात होना ही है पक्का। तो कोई ना फिर भी चला जाएंगे हम लोग। अरे भाई थोड़ा साइड तो दे दो हमको, ये जो गाड़ी होता है ना जैसे भी इससे एनी टाइम बच के रहना चाहिए क्योंकि ये लोग जब हाईवे पर चलता है ना, इन लोगों का चलने का ढंग ही नहीं है। सो गाइस अभी जाके जाम छूटा है और रोड भी पूरा क्लियर है अभी, तो गाइस बहुत लेट हो गया ऐसे भी और अभी बाइक को थोड़ा बहुत भगाते हैं और सामने फ्यूलिंग भी करवाना है हम लोगों को। सो गाइज हम लोग आ चुका है सिलचर और सिलचर ना हम लोग मोतीनगर का रोड ले लिया और ये जो रोड है ना ये सुनाई रोड है, लिंक रोड। तो देखते हैं यहीं पे जाते हैं, पहले कुछ खाना होना खाते हैं गाइज क्योंकि सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया, जस्ट खाली नींद से जागा और रेडी होके आ गया घर पे, खाली सिर्फ चाय पिया था 1 कप और अभी कुछ इधर खाना होना खाएंगे फिर निकलेंगे क्योंकि यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब प्लान हो रहा था 9 बजे निकलने का लेकिन यार नींद ही नहीं टूट रहा था, मेरा तो यही दिक्कत हो गया अभी। पहले ना मैं सुबह सुबह नींद से उठ जाता था लेकिन अभी तो क्या ही बताऊँ यार, मतलब सुबह नींद ही नहीं टूटता, घर में सब मुझे बुलाते रहता है सुबह से लेकिन मेरा नींद ही मतलब ख़त्म नहीं होता है, तो क्या ही करो यार कुछ हो नहीं सकता अभी, धीरे धीरे ये आदत जो है मेरा इसको बदलना पड़ेगा। तो एनीवेज गाइस चलते हैं। मैं तो अगले साल गया था डोमिनर लेके तो मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था और आज ना मेरे साथ एक एंट्रोक भी है तो पता नहीं इसका हालत क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है अच्छा ही होगा। तो चलो गाइस लेट्स गो, थोड़ा बहुत भगाते हैं और खाना उना खाते हैं क्योंकि कुछ नहीं खाया, पेट में चूहा दौड़ रहा है यार।
अगर इस साल अगर रोड में अगर पूरा ठीक ठाक हो गया, ऊपर तक गाड़ी जाता है, जाने देता है, तो हम लोग शिवरात्रि जो है ना वो 18 तारीख को है, उस दिन भी बाइक लेके आएंगे। क्योंकि मेरे को 4-व्हीलर उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 2-व्हीलर ना मुझे कहीं पे भी जाने के लिए बोलो मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ। और यार ये हर बाइकर्स का मतलब ड्रीम होता है, सपना होता है यार वो बाइक लेके दूर दूर तक ट्रिप करें। मैं तो ऑलमोस्ट मतलब मेरा जो ड्रीम प्लेस था उसको एक बार कम्प्लीट कर चुका हूँ, लद्दाख ट्रिप एक बार कंप्लीट कर चुका हूँ। इस बार भी जाएंगे हम लोग लद्दाख, तो देखते प्लान बन रहा है लद्दाख जाने का, तो इसको लेके नहीं जाने वाला मैं। देखो 100cc कोई बाइक लेके जाने का मन है लद्दाख, तो देखते हैं क्या होता है। और ये बंदा भी जाने वाला है, और मेरा एक दोस्त है विशाल, उसने नया डोमिनेट लिया है 250, वो भी जाने वाला है, देखते हैं क्या होता है। और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल गिव अवे भी आने वाला है। तो गाइस आप लोग सपोर्ट बना के रखना, मैं आपसे रेगुलर कंटेंट डालने का कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अमरागढ़, और यहाँ पे बैठे हम लोगों ने खाना वाना खाने हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया पराठा। और ये जो बंदा ये पराठा नहीं खाने वाला, ये खा रहा है पुलाव। तो हम लोग वेजिटेरियन है क्योंकि आज वेज खाने वाले हैं, मंदिर में जाने वाले हैं, इसलिए खा लो खाना वाना, ऊपर खाना वाना नहीं मिलने वाला। सो गाइस फिलहाल फटाफट खाने को करते हैं फिनिश, और आप लोगों से मिलते हैं फिर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस खाना वाना हो चुका है ख़त्म, और हम लोगों ने पानी वगैरह जो कुछ भी लेना था सब कुछ ले लिया, क्योंकि ऊपर कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगले साल जब गया था तो कुछ नहीं मिला था खाने का। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर जैसे रोड बचा हुआ है, वहाँ से हम लोगों को लेफ्ट लेना है। तो चलो निकलते हैं, खाना वाना खा लिया ना, तो गाइस मेरा पेट उट जितना भी भर गया यार, सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो गाइस ये जो रोड है ना, ये रोड जो है, ये रोड का नाम है कृष्णपुर रोड, मतलब इधर से ही जाता है भुवन पार, जहाँ से गाड़ी उड़ी सब जाता है। तो कुछ लोग बता रहे हैं यार रोड अभी भी ख़राब है, और कुछ लोग बता रहे हैं यार रोड ठीक हो गया, गाड़ी ऊपर तक जाता है। तो मैं तो अगले साल गया था, मतलब थोड़ा दूर रख के जाना पड़ा था मुझे अपना बाइक, तो इस साल जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मुझे तो लगता है रोड ठीक हो गया, क्योंकि मैं अगले साल जब गया था तब देख रहा था जब काम उम वगैरह सब हो रहा है। और गाइस यहाँ से मुझे पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया, पूरा फॉग ही फॉग लगा हुआ है आगे। अब एंड गाइस मैंने हाथ में ग्लव्स वगैरह लगा लिया, क्योंकि मेरा हाथ में थोड़ा गीला गीला सा हो रहा था, मतलब पसीना से चुभ रहा था, इसलिए मैंने ग्लव्स लगा लिया। और मैंने ठंड का कपड़ा भी लाया, क्योंकि आज रात होने वाला है। अभी टाइम हो रहा है गाइस 2:20, इतना टाइम लग जाएगा मुझे पता नहीं। और मैं ना रास्ता भूल गया था यार, क्योंकि एक साल पहले आया था। और गूगल मैप के भरोसे चलना ही मत, ये उल्टा पलटा रोड दिखाता है। तो गाइस बाइक को भगाते हैं थोड़ा बहुत, ये रोड जो है ना छोटा सा ही रोड है, लेकिन रोड पूरा ठीक ठाक है, यहाँ पे टूटा फूटा सा रोड नहीं है। के लिए थोड़ा टाइम रुकते हैं, क्योंकि उसको आगे जाने देते हैं। सो गाइस मैंने प्रीतम को आगे जाने दिया, क्योंकि उसके पास स्कूटी है, मेरे पास तो टाइगर है, टेंशन नहीं यार। तो मैंने बोला भाई तुम आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। फिलहाल मैंने उसको आगे जाने दिया। और अभी ना गाइस वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था PWD का, जो अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है यहाँ पे, मतलब गाड़ी उड़ी चलना मना है। तो गाड़ी उड़ी के बारे में बताया, बाइक के बारे में नहीं बताया। तो चलो गाइस लेट्स गो। सो गाइस इधर तक तो रोड ठीक ठाक ही है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, क्या नज़ारा है बॉस। मगर भुवन पहाड़ जो लोग आते हैं ना, मतलब इसको बंगाली में बोलते हैं तीर्थस्थान, तो यहाँ पे पैदल आने से मतलब उन लोग जितना भी आप लोगों ने ज़िंदगी में पाप वगैरह किया ये सब धुल जाता है, ये सब मतलब ये बात जितना भी बुजुर्ग लोग हैं वो लोग कहते हैं, पैदल जाओगे जितना भी पाप किया तुमने लाइफ में सब मतलब धुल जाएगा। मेरे को तो उतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैं इस जनरेशन का हूँ, पहले जनरेशन का नहीं हूँ। सो गाइस रोड देख सकते हो, भयंकर रोड है यार। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भुवन पहाड़ गाड़ी लेके भी कोई जा सकता है।
भैया रोड वगैरह ठीक है? रोड 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 ठीक है, मतलब जाता है बाइक पूरा या आधा रास्ता तक? एक घंटा का ठीक है। चलो आप लोग वहाँ पे वहाँ से आ रहे हो क्या? ठीक है ओके। सो गाइज यहाँ पे दो बंदे हम लोगों को मिल गया था, बोलता है जहाँ तक बाइक जाता है वहाँ से एक घंटा पैदल चल के जाना पड़ता है, फिर भी कोई ना हम लोग चले जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ओ गाइज धक्का लगाना पड़ा उसको। गाइज बाइक फंस गया यार। गाइस सीन जो था ना भयंकर सीन हो गया था अभी यार। यहाँ पर पत्थर रुका हुआ था, अगर मैं रुकता नहीं तो चला जाता, रुक गया था ना इसलिए थोड़ा बहुत धक्का मुझे भी लगाना पड़ा था। क्या खबर भैया, आपने पहचाना मुझे? अगले साल आया था आपका घर पे, वहाँ पे भुवन पहाड़ जाने के टाइम पे, पता है ना बच्चे के लिए आपको। ठीक है यार, बंदे तीन बंदे नहीं हो सकेगा यार। हाँ ठीक है जाओ, हम लोग आ रहे हैं। अगले साल जब आया था एक अंकल के घर पे, मैं एक अंकल के घर पे मैं रुका था पानी उनी पीने के लिए, तो वो अंकल भी मिल गया तो बोला था जाने का टाइम पे मेरे घर पे आओ, तो मैंने बोला चलो। तो गाइस इस बंदे का जो बाइक है ना ये पूरा फंस गया, इसको थोड़ा बहुत धक्का लगाना पड़ रहा है, अब मुझे भी लगाना पड़ेगा, ये बंदा हेल्प करने वाला है मेरे को। सो गाइस यहाँ पे ना भयंकर मतलब हालत खराब हो गया था, भयंकर पूरा हालत खराब हो गया था गाइस। वहाँ पे मेरा बाइक जो है ना पूरा फंस गया था वहाँ पे, अभी भी रोड का काम वगैरह चल रहा है ना। देखो गाइस भयंकर भयंकर तबाही वाला सीन भाई, ब्रेक आ रहा है के लिए हमें ऊंची। ओए यहाँ पे कुछ टाइम रुकते हैं उसके बाद निकलते हैं। हाँ भाई पूरा इंजन गर्म हो गया भाई। यहाँ पे बहुत टाइम रुका था हम लोगों ने, पानी उनी पिया, मस्त पानी उनी पिया और अभी फिर निकल रहे हैं आगे। रोड का हालत ना बहुत ख़राब है, बहुत लोग मिल रहा था यार, जितना भी लोग मिल रहा था सब बता रहे थे यार कि रोड का हालत बहुत ही ख़राब है, और GoPro का जो बैटरी है ना ये भी डाउन हो रहा है गाइस। गाइस आगे तो जेसीबी का काम चल रहा है तो हम लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होगा, तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा शायद। क्या हुआ? इधर फिलहाल काम चल रहा है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा ना। सो गाइस अभी जाके रोड पूरा क्लियर हो गया, और रोड क्लियर नहीं हुआ मतलब जेसीबी का काम चल रहा था, तो हम लोगों ने मिलकर सब लोगों ने मिलकर बताया तो भैया थोड़ा सा साइड दे दो हम लोगों को, हम लोग भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं, मतलब अभी गाड़ी उड़ी बाइक ले कर इधर आना मना है, फिर भी हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला कि सर हम लोग YouTube पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो हम लोगों को जाना बनता है, मैं हर साल आता हूँ इस रोड का मतलब क्या कितना काम हुआ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत एक काम वगैरह चल रहा है जोरों शोरों से। अगले बार ना यहाँ ये जो रोड है ना यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी जमा हुआ था, तो इस बार इतना पानी उनी नहीं है इधर क्योंकि बारिश नहीं हुआ, अगले साल बारिश हुआ था तब मैं आया था। लद्दाख वाला फीलिंग आ रहा है गाइस, लद्दाख लद्दाख। असली बाइकर्स का निशान तो यही होता है यार, पहाड़ों में ट्रैवल किया करो यार, वो भी अपने टू व्हीलर पे, वाओ क्या बात है यार। मैं छोटा जब था तब भुवन पहाड़ आता था तो पैदल चल के आना पड़ता था हम लोगों को, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इधर गाड़ी भी चल सकता। हाय हाय
बम बम। सो गाइस कुछ लोग बता रहे थे यहाँ पे कि यहाँ तक ही गाड़ी जा सकता है, यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे एक बाइक रखा हुआ है पहले से डिस्कवर। तो मैंने आगे जाके थोड़ा जगह देख के आया था, तो गाड़ी जा सकता है, मतलब जितना कितना दूर जाएगा मेरे को पता नहीं, तो जहाँ तक भी जाएगा मैं इसको लेके जा रहा हूँ गाइस। क्या रोड है यार, क्या रोड है लद्दाख में, कसम से गाइस ऐसा रोड नहीं मिला था मेरे को। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ना बहुत मतलब मेहनत लग रहा है यार। So guys, सामने जाने में दिक्कत हो रहा है यार, मुझे लगता है शायद वहां तक ही गाड़ी जाएगा क्योंकि आगे एक गाड़ी दिख रहा है हम लोगों को। सो गाइस मुझे लगता है गाड़ी को यहाँ तक ही छोड़ना पड़ेगा, बहुत दूर आ गए हैं हम लोग और मुझे लगता है यहाँ से गाड़ी उड़ी आगे नहीं जा पाएगा। ओ गाइस शिट यार, अगर ये थोड़ा सा जगह अगर ठीक हो जाता ना तो हम इजीली निकाल पाते, पहले ठीक था यहाँ का जगह, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया। तो कोई ना, बाइक को लॉक करते हैं, स्टीयरिंग वगैरह लॉक कर लो, हाट के नहीं यार पैदल पैदल चलते हैं। तो गाइस मैं बाइक को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ भोलेनाथ के भरोसे।